ये देखते हैं फोटोशॉप के ऊपर किस तरह से एक इमेज के ऊपर दूसरा इमेज सेट कर सकते हैं और इस तरह मल्टीपल इमेजेस कैसे कर सकते हैं। तो इस काम को करने के लिए हमें कोई एक बड़ा इमेज भी चाहिए हो सकता है, या फिर हम एक न्यू करके यहाँ से एक फाइल का साइज ले लेते हैं, जो कि हम यहाँ से ले रहे हैं वेब में 16x1200, और ओके कर लेते हैं। अब इसके ऊपर यहाँ से अनलॉक कर लेते हैं इसको, डबल क्लिक करके, और ये अनलॉक हो जाएगा। फाइल में जाके यहाँ से ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर पहले जो इमेज लगाना है और वो लेकर आते हैं हम सबसे पहले कि अगर हमें कौन सा इमेज लगाना है, हम डॉक्यूमेंट्स पे चले गए और यहाँ से हमने लेटर्स पे जाके एक इमेज ले लिया। सपोज टू बी वो इमेज ये वाला था, या कोई इस तरह का बैकग्राउंड का इमेज था, ये इमेज ले लिया, उसको डबल क्लिक करके ओपन कर लिया। कंट्रोल ए सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल सी कॉपी, इसके आगे कंट्रोल वी किया, पेस्ट कर दिया। इमेज साइज जो है वो हमारी फाइल की साइज से बड़ा था, कोई मसला नहीं, क्योंकि वो अलग लेयर पे आया है। तो उस पर क्लिक करके कंट्रोल टी दबाएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिवेट करेंगे, ऑल्टर शिफ्ट के साथ इसको छोटा कर लेंगे और इस तरह से देख लेते हैं। और अगर पूरे पे फैलाना है तो इस तरह से इसको यूं फैला भी सकते हैं। तो इस तरह से ये इमेज हमने यहाँ पे इसके ऊपर लगा दिया एज अ बैकग्राउंड के तौर पर। अब इसके ऊपर कौन कौन से इमेजेस चाहिए, लेट्स सपोज इसको बंद कर देते हैं यहाँ से, कंट्रोल ऑफ करते हैं, और यहाँ पर हमने देखेंगे कुछ इमेजेस, जैसे कि ये गर्ल का इमेज चाहिए हमें, ठीक है। तो क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर अगर आप ओल्ड वर्जन यूज कर रहे हैं तो इसको सिलेक्ट करने के लिए क्विक सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको। यहाँ से क्लिक करेंगे क्विक सिलेक्शन टूल के ऊपर। हाँ, अगर हम नया वर्जन यूज करते हैं 2023 का, तो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल से बिल्कुल आसानी से सिलेक्ट हो जाता है। यहाँ से हम इसका ब्रश साइज थोड़ा सेट कर लेते हैं, और सिलेक्ट करने के बाद इसको हम यहाँ से ले जाते हैं, इस तरह से सिलेक्ट कर लेते हैं, और सिलेक्ट करने के बाद इस तरह से जो एक्स्ट्रा एरियाज आ रहे हैं उनको अल्टर के साथ ब्रश साइज को थोड़ा सा दोबारा से सेट कर लेते हैं, और अल्टर के साथ उसको यहाँ से निकाल देते हैं। जैसे हम उनको यहाँ से निकाल देंगे, वो एरियाज यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, और फिर थोड़ा और जूम करके जूम आउट कर लें तो यहाँ से हम इसको थोड़ा सा डिटेल्ड वर्जन में थोड़ा सा और ले लेते हैं इसके। ओके, फिर उसके बाद यहाँ चलते हैं और इस साइड पे एक्स्ट्रा जो एरिया है इसको निकाल देते हैं यहाँ से, तो ये निकल गया, और उसको यहाँ पे रख के पूरा सिलेक्शन हो चुका है। कंट्रोल के साथ थोड़ा यहाँ पे देखें सिलेक्शन रह गया, तो ब्रश साइज को थोड़ा सा कम करके ताकि इसको ऐड कर लें सिलेक्शन को। तो यहाँ से ये भी ऐड हो गया, और यहाँ से इसको भी हमने ऐड कर लिया थोड़ा सा। कंट्रोल के साथ अब यहाँ से जाएंगे कंट्रोल सी, एंड देन इधर आके करेंगे कंट्रोल वी, तो ये पास्ट ऑफिस पे आ गया। कंट्रोल टी और ऑल्टर शिफ्ट करेंगे। अब इसके साथ आप देखें कि थोड़े बहुत एजेस जो है ना वो हमारे पास एक्स्ट्रा आ जाते हैं किसी इमेज के साथ। अगर हमें जूम करके दिखाऊं तो ये देखिए, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, इन एजेस की, इन एजेस को थोड़ा सा एड्रेस करने के लिए, सही करने के लिए तरीका हमारे पास क्या है। तो हमने इसको इस तरीके से रख लिया, और इसको उठा के यहाँ पे इस तरह से या इस एरिया पे हमने ले जाके इसको रख दिया, फिट कर दिया और अप्लाई कर दिया। अब करना यह है कि इसको सही करने का तरीका क्या है, इस पर क्लिक करेंगे, ये वाला ऑप्शन लेंगे, जैसे ही ऑप्शन लेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा सिलेक्शन का। ओके, इसके बाद क्या करना है, आपने इधर आना है, इधर इधर एरो रखना है। तो अभी देखिए एरो ही नजर आ रहा होगा आपको, जैसे कंट्रोल का बटन होल्ड करूंगा तो इस पर एक स्क्वायर साइन आ जाएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि इसको सिलेक्ट कर लो, क्लिक करूंगा पूरा इमेज सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट होने के बाद आपको यहाँ एक ऑप्शन नजर आएगा रिफाइन एजेस का, जैसे क्लिक करेंगे रिफाइन एजेस पे, तो इसके एजेस रिफाइन कैसे करने हैं, इसका जो सॉफ्ट एरिया है इसको थोड़ा सा कम करते हैं, हल्का सा सॉफ्ट एजेस बढ़ाते हैं, स्मूथ थोड़ा सा कर लेते हैं इसको यहाँ पे, ठीक है। और इसको यहाँ से एक बैकग्राउंड ब्लैक ले लेते हैं ताकि ब्लैक बैकग्राउंड पे हमें समझने में आसानी रहेगी, देखते जाएंगे इसके ऊपर हम। तो यहाँ से इसको सॉफ्ट एंड देन फेदर्स थोड़े से बढ़ाते हैं, फेदर्स को थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं, तो ये मेरा ख्याल है इतना फेदर्स काफी है, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही इसको ओके करेंगे तो ये देखिए एक सिलेक्शन बना हुआ आ गया, यानी कि वो एजेस थे जो थोड़े थोड़े से निकाल दिए। कंट्रोल जे दबाएंगे तो इस लेयर का डुप्लीकेट होगा, क्योंकि एरिया सिलेक्टेड है वो एक अलग लेयर पे चला जाएगा, ये देखिए। और अब हमारे पास दो लेयर हो गई। अब ये वाली जो इमेज है ये एजेस वाली इमेज है, ठीक है, और इसको ऑफ करके ये दिखाऊंगा तो ये बगैर एजेस वाली, ठीक है, समझ में आ रही बात ये। तो इस तरह से आप इन चीजों को इजिली कर सकते हैं। अब इसे करने के बाद इसको भले आप डिलीट कर दें या रख लें और ऑफ रखें, इसको कोई मसला नहीं होता। सिमिलरली अगर कोई और दूसरा इमेज आपको यहाँ से सर्च करके लेकर आना है तो कंट्रोल ओ कर लिया हमने, और यहाँ से हमने एक ले लिया, सपोज तो भी गाड़ी का इमेज था हमारे पास, ओके okay, इस गाड़ी के इमेज में से हमें गाड़ी निकालनी है, तो सैम लेंगे, क्विक सिलेक्शन टूल लेंगे और यहाँ से ले जाके इसके ऊपर लगा देते हैं, ठीक है। अब जैसे इसमें बड़ी दिक्कत हो रही होती है ना बाजू का, हम क्या करते हैं इस फाइल को सेव कर देते हैं आपकी। मैंने कंट्रोल एस करके फाइल को सेव कर दिया और डॉक्यूमेंट्स में जाके यहाँ से क्लिक किया, यहाँ से क्लिक किया पीएस फाइल्स के अंदर, और यहाँ मैं जगह के होरिजन के अंदर जाके मैंने इस फाइल को सेव कर दिया क्लास 5 के नाम से, क्लास 5 इमेज सिलेक्शंस।
ओके, और यहाँ पे क्लिक करके ऑफ कर दिया, क्लोज कर दिया, W कंट्रोल W करके मैंने फाइल को क्लोज कर दिया, कंट्रोल W टू क्लोज द फाइल। फोटोशॉप का ये वाला वर्जन मैंने ऑफ कर दिया और यहाँ से मैंने इसका नया वर्जन खोला जो कि 2021 का वर्जन है और इस पर क्लिक करके जैसे ही मेरे सामने लोड होगा तो अब देखें वो जो कार सिलेक्शन वगैरह का मामला आ रहा था उसमें मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही थी, तो अब इस पर आसानी से हो जाएगा। तो वर्जन में ये थोड़ा सा फर्क होता है, तो आपको नए पुराने दोनों वर्जन का यूटिलाइजेशन आना चाहिए। ओके, यहाँ से मैंने जैसे ही दबाना है कंट्रोल ओ तो मेरे सामने दोबारा से ओपन का डायलॉग बॉक्स खुल जाना है, पहले लोड हो जाएगी। ओके, कंट्रोल ओ दबाया मैंने यहाँ से, और जैसे ही कंट्रोल ओ दबाया तो यहाँ से मैं गया डॉक्यूमेंट्स के अंदर और मैं गया उसी फोल्डर पीएस फाइल्स एंड देन होरिजन, और होरिजन में जाने के बाद मैंने यहाँ से लिया इसका ये वाली फाइल फ्लैश फाइल। तो ये देखिए इस पर खुल जाएगी फोटोशॉप से फाइल सारे, इसके अंदर कंट्रोल ओ कर दिया मैंने यहाँ से, और फिर मैं गया डॉक्यूमेंट्स में जहाँ मैंने इमेजेस रखे हुए और यहाँ से क्लिक किया लेटेस्ट के ऊपर और यहाँ से जाके मैंने इसको ये वाला इमेज ले लिया। ठीक है, और ये फाइल ओपन हो गया, ओपन हो गई तो यहाँ डबल क्लिक करके इसको कर लिया मैंने अनलॉक, यहाँ से लिया ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल और इसको पूरा का पूरा इसमें ले लिया। देखिए इस तरीके से कंट्रोल सी एंड देन यहाँ जाके करेंगे कंट्रोल वी, ये देखिए इधर आ गई, कंट्रोल टी किया हमने यहाँ से इसको और यहाँ पे लाके इसको थोड़ा सा कार को हमने इस तरह से खड़ा कर दिया। ठीक है, हम ऐसे भी कर सकते हैं, कार ऐसे खड़ी कर दें, इस इमेज को इसके सामने खड़ा कर दें, या इस तरह से भी कर सकते हैं, कंट्रोल एस करके सेव कर दें। ठीक है, एक और इमेज सेलेक्ट करके लानी, कंट्रोल डब्ल्यू इसको यहाँ से बंद किया, कंट्रोल ओ किया, ठीक है, कंट्रोल डब्ल्यू से फाइल क्लोज हो गई, कंट्रोल ओ से ओपन हो गई, ये ग्रीन वाली कार ले ली हमने यहाँ से और इसको अनलॉक किया और यहाँ से मैंने ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल लिया और इस कार को इस तरह से इस सिलेक्शन के अंदर लिया, ये फोटोशॉप इतना इंटेलिजेंट है खुद ही सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल सी किया, यहाँ पे जाके मैंने इसको कंट्रोल वी किया और यहाँ पे इस तरीके से आ गई। अब ये कार उस कार के पीछे दिखानी है या ऊपर दिखानी है आप डिसाइड करेंगे, सिलेक्शन मूव टूल लिया, क्लिक किया, यहाँ पे दिखानी है, कंट्रोल टी किया, ट्रांसफॉर्मेशन किया और इसको इस तरह से दिखाना। अब इसके ऊपर दिखाना तो बड़ा अजीब लग रहा होता है तो हम इसके पीछे दिखा देते हैं इसको, तो इस वाली लेयर को उठा के इसके ऊपर कर देंगे तो ये इसके पीछे नजर आ रही है, एक गाड़ी कुछ इस तरह से नजर आ रही है, ठीक है, जो इसके साथ आ रही है और इसके दूसरी जो गाड़ी है वो इसके पीछे से इस तरह से नजर आ रही है जो कि इस तरह से इसके पीछे से कहीं पे क्रॉस कर रही है इसको। ठीक है, तो इस तरह से ये आप इफेक्ट बना सकते हैं और पीछे एक बैकग्राउंड पे एक और इमेज हमारा लगा हुआ है, तो इस तरह डिफरेंट इमेजेस लगा के यहाँ पे लगा सकते हैं और फिर आप जो इसके बारे में टेक्स्ट लिखना चाहें वो आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। सपोज टू बी मैंने लिख दिया इस पे कार कलेक्शन 2024, मूव टूल लिया दोबारा से, ये आ गया यहाँ पे और इसको उठा के हमने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारा ये क्रिएट हो गया। तो इस तरह डिफरेंट इमेजेस को आप एक जगह से दूसरी जगह से सेलेक्ट करके किसी दूसरे इमेजेस में लाके कोई नया आइडिया उसके अंदर फिट कर सकते हैं। और अगर हम मजीद लिखना चाहें यहाँ पे कि हम लिख देते हैं स्पीड, ठीक है, स्पीड लिख के कंट्रोल टी दबा लेते हैं और यहाँ से इसको ऑल्टर शिफ्ट के साथ थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पे ला के रख देते हैं, क्लिक कर देते हैं, फॉन्ट के हवाले से डबल क्लिक कर देंगे यहाँ पे और ये सिलेक्ट हो जाएगा, यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ से जो फॉन्ट है वो थोड़े डिफरेंट किस्म का आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम सी ग्रीन यूज करना चाहें ये फॉन्ट भी अच्छा लग रहा है, ओके करेंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे, यहाँ पे इस तरह से अप्लाई हो जाएगा ये। ठीक है ना, तो इस तरह से बहुत आसानी से कोई ना कोई पोस्टर बना सकते हैं, सिर्फ करना क्या है एक आइडिया, उस आइडिया के रिलेटेड फोटोज बेहतरीन अच्छी HD क्वालिटी में, चाहे वो मेल का लगाना है फीमेल का लगाना है, लेकिन बेहतरीन गुड क्वालिटी में फोटो हो, फिर जो इसके पीछे प्रोडक्ट लगाना है वो प्रोडक्ट का फोटो हो और फिर उसके हवाले से वर्ड्स जो उसके ऊपर सूटेबल हो वो लिखेंगे, आपका बैनर पोस्ट थंबनेल कोई एड कह लें, कोई दुकान का एड कह लें, कोई बैनर कह लें, कोई पोस्टर कह लें, वो रेडी है आपके सामने, अब आप उसको कहीं भी पब्लिश कर सकते हैं। समझ में आई बात, बस थोड़ा सा ये समझें कि किस तरह से कंट्रोल ओ हो रहा है, कंट्रोल डब्ल्यू, कंट्रोल एन, कंट्रोल टी, ट्रांसफॉर्मेशन, रीसाइज, इसके ऊपर आप अपनी प्रैक्टिस कर लें, कटिंग रीसाइजिंग वगैरह के ऊपर, फोटोशॉप में मोस्ट ऑफ टाइम यही काम हो रहा होता है और इसके बाद ही ये चीजें बेहतर तरीके से हमें पता चल रही होती है। सही है?